हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑडिट ऑन टिप्स। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के बारे में। और बताना चाहूंगा, ये स्टैंडर्ड हमारे एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट स्टैंडर्ड है। रीजन इज दिस कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसने एंटिटी के गोइंग कंसर्न को डायरेक्टली हिट किया है। इसने इकोनॉमी को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि एंटिटीज आर फाइलिंग फॉर दी बैंक्रप्टसी। अगर मैं आज की ही बात करूं तो एविंका एयरलाइंस वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट एयरलाइन है, व्हिच इज फाइलिंग फॉर द बैंक्रप्टसी। और अगर 3-4 दिन पहले की बात करूं तो गोल्ड जिम इज फाइलिंग फॉर द बैंक्रप्टसी। तो इस वजह से आप ये मान सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड के हमारे एग्जाम्स में अपीयर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 570 गोइंग कंसर्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है तो वो तीन अजम्पशंस को कंसीडर करती है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड द अक्रूअल। गोइंग कंसर्न की हम बात कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न होता क्या बेसिकली, जब मैनेजमेंट की ना इंटेंशन होती है, ना नेसेसिटी होती है, यानी कि ना नियत है, ना जरूरत है टू शट डाउन और कटेल द बिजनेस एक्टिविटीज and where the assets to be realized or the liabilities to be discharged in the entity, normal course of business and the operations are assumed to continue for the foreseeable future, then it is considered then this is a going concern entity. Now, किसकी जिम्मेवारी बनती है ये चेक करने के लिए कि entity going concern है या नहीं है? जो going concern basis of accounting को इस्तेमाल किया जा रहा है वो appropriate है या नहीं, ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्योंकि financial statements बनाने वाला कौन है? Management. तो जिम्मेवारी बनती है management की assess करना कि क्या going concern basis of accounting appropriate है। और हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर किसी एप्रोप्रिएट चेक नहीं कर सकते तो कम से कम 12 महीनों के लिए तो चेक करोगे ही करोगे। देन फॉर द पीरियड टू बी सिलेक्टेड शुड बी एट लीस्ट 12 मंथ्स। एंड जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें 18-19 की, देन अप टू 31 मार्च 2020, यानी कि स्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2019, क्या आप आने वाले 12 महीनों में सर्वाइव कर पाओगे? एंड मैनेजमेंट फॉर दिस पर्पस कुछ इंडिकेटर्स को कंसीडर करेगी, इंडिकेटर्स लाइक द इवेंट्स और कंडीशंस लाइक फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और अदर्स। अगर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करें तो जैसे कि मैनेजमेंट बैंक के पास लोन लेने के लिए गई, बैंक ने मना कर दिया, क्रेडिटर्स ने उधार देने से मना कर दिया, हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो इंपैक्ट हुई बढ़िया काफी ज्यादा अफेक्टेड है। तो दीज आर फ्यू फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। अगर हम ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो किसी मार्केट में हमारा काफी ज्यादा होल्ड था, नाउ उस मार्केट से हमारा होल्ड छूट चुका है, या फिर कोई मार्केट में ऐसा प्लेयर आ गया जिसने हमारे सर्वाइवल को इंपैक्ट कर दिया। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जब जियो आया था तो उसने मार्केट को, उसने जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स उस टाइम पे थे उनको इतना ज्यादा इंपैक्ट किया था कि कुछ तो आज के डेट में बंद हो चुके हैं। एंड अगर हम अदर इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे कि अगर कोई लीगल चेंजेस हो गए या फिर पॉलिटिकल लीगल चेंजेस हो गए जिसकी वजह से एंटिटी के सर्वाइवल को डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है, तो दीज आर सम इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं हम ऑडिटर की ड्यूटीज की। ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असेस कि क्या मैनेजमेंट जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंसीडर कर रहे हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है। इसलिए ऑडिटर क्या करेगा, वो इवेंट्स और कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो ये जानने की कोशिश करेगा क्या मैनेजमेंट ने कोई प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया है। He will evaluate क्या मैनेजमेंट ने, he will obtain an understanding of the events or conditions and for this purpose he will evaluate whether the management has done the preliminary assessment of the going concern basis of accounting, yes or not. अगर मान लो मैनेजमेंट ने प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा उन्होंने पीरियड कैसे सिलेक्ट किया, मैनेजमेंट ने कैसे असेसमेंट किया, क्या कोई इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते थे जो कि एंटिटी की गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करते थे, इफ अगर एग्जिस्ट करते थे तो कौन से वो इंडिकेटर्स हैं, और उन इंडिकेटर्स के रिस्पेक्टिंग क्या मैनेजमेंट ने कोई प्लान्स बनाए हैं, क्या कोई मिटिगेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, मैनेजमेंट उनको टैकल कैसे करेगा, इन सब के रिस्पेक्ट में ऑडिटर डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ। और इन केस मैनेजमेंट ने प्रीलिमिनरी असेसमेंट नहीं किया तो उस केस में ऑडिटर पूछेगा मैनेजमेंट से किन बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न है, वो बेसिस कौन से है जिस पर आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि आपकी एंटिटी गोइंग कंसर्न, एंड वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा प्रीलिमिनरी असेसमेंट करने के लिए, या फिर इनकेस अगर हम यहाँ पे जब मैनेजमेंट से डिस्कस किया कि क्या उन्होंने पीरियड सेलेक्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट ने कहा हमने आने वाले 6 महीनों के लिए असेसमेंट किया, तो ऑडिटर कहेगा मैनेजमेंट को टू एक्सटेंड द असेसमेंट अप टू 12 मंथ्स एट लीस्ट, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड कहता है कम से कम आप 12 महीनों के लिए तो असेसमेंट करोगे ही करोगे। तो वो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा अगर असेसमेंट नहीं की तो टू परफॉर्म द असेसमेंट, या फिर अगर मान लो 12 महीने से कम किया टू एक्सटेंड द असेसमेंट। अगर मान लो मैनेजमेंट मान जाती है देन इट्स ओके, लेकिन अगर मान लो मैनेजमेंट मना करते तो इन दैट केस ही विल कंसीडर द इंपैक्ट फॉर द ऑडिट, कंसीडर द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एंड द ऑडिट प्रोसीजर्स। ये तो होगी हमारी बात असेसमेंट प्रोसीजर्स की। नाउ अब आती है हमारी बात रिस्पॉन्सेज टू द असेसर्स। ऑडिटर के रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, मैनेजमेंट ने असेसमेंट की थी ठीक है, ऑडिटर ने इनकेस अगर नहीं की थी तो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने तब असेसमेंट कर दी। अब ऑडिटर की जिम्मेवारी क्या आती है, नाउ रिस्पॉन्सेज टू द असेसर्स। मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर दी, अब ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी बनती है, जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया कि क्या वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ऑडिटर की जिम्मेवारी बनती है उस असेसमेंट को रिव्यू करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए।
So, auditor will evaluate the management assessment of the appropriateness of the going concern. अगर मान लो इट इज appropriate, जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया वो appropriate है, that's okay. But in case अगर मान लो मैनेजमेंट की जो असेसमेंट है वो inappropriate है, तो उस केस में ऑडिटर adverse opinion देगा. And along with this, auditor is required to obtain the sufficient appropriate audit evidences in respect of the events or conditions being identified by him or by the management to determine whether material uncertainty exists or not. क्या कह रहे हैं कि जो इवेंट और कंडीशन मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे लाइक फाइनेंशियल इंडिकेटर या ऑपरेटिंग या फिर एनी अदर इंडिकेटर, उनके रिस्पेक्ट में क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है. ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टू डिटरमिन कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट करती है. एंड इन केस इफ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो उस केस में ऑडिटर क्या चेक करेगा, ही विल चेक वेदर द मैनेजमेंट हैज गिवन एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. In case अगर मानो मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो he will give an unqualified opinion in the audit report. Along with this, वो एक क्योंकि material uncertainty exist करती है, तो auditor एक section add करेगा अपनी audit report में, जिसको हम कहते हैं material uncertainty related to the audit, related to the going concern. वो एक para include करेगा MURG का material uncertainty related to going concern, जिसमें वो mention करेगा कि he will draw the attention towards the debt disclosure made by the management in the financial statements. And वो इवेंट्स और कंडीशंस को बताएगा कि कौन से वो इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं जो अफेक्ट करते हैं एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. ये तो तब है जब अगर मान लो एंटिटी ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. इन केस अगर मान लो एंटिटी ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस केस में ऑडिटर क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा. द ऑडिटर शैल गिव अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, और वो मेंशन करेगा उस पैरा के अंदर कि एक कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस इवेंट्स और कंडीशन, लेकिन मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया. दैट द देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी बट मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन द एडिक्वेट डिस्क्लोजर. ये बात होगी व्हेन द मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट. अगर मान लो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इवेंट और कंडीशन है, मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर दिया एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कहते हैं कि द एंटिटी शैल सर्वाइव इन द नियर फ्यूचर, देयर इज द एप्रोप्रिएटनेस टू यूज द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बट since the event or condition exists, तो FRF को चेक करेगा क्या as per the applicable FRF over the entity, क्या कोई disclosure requirement है in respect of those events or condition. अगर मान लो there is a requirement, then he will check कि management disclose किया या नहीं. कि अगर मान लो management disclose किया, then it's okay. इनके अगर नहीं किया, तो management को request करेगा to make the disclosures. ये होगी हमारी बात ऐसे 570 की. अब मैंने ऊपर एक आपसे बात की थी कि auditor additional procedures को perform करेगा to check कि क्या कोई material uncertainty exist करती है या नहीं करती. हमने यहाँ पे बात की थी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इवेंट्स और कंडीशन, ऑडिटर शैल परफॉर्म सम एडिशनल प्रोसीजर्स टू चेक वेदर देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी. मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो एडिशनल प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, कौन से एडिशनल प्रोसीजर्स हैं? सो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर व्हेन द इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड. क्या कह रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड? हमने कहा था कि इन केस अगर मान लो ऑडिटर को कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. सो फॉर द पर्पस ऑफ obtaining those sufficient appropriate audit evidences, auditor कुछ procedures को perform करता है. तो कौन से वो procedures हैं? देखते हैं एक बार हम. In case अगर मानो management ने assessment नहीं की, तो उस केस में वो management को request करेगा कि assessment करने के लिए. And he will evaluate कि जो management के plans हैं for the future actions, क्या वो capable हैं कि improve कर सके situation को, और क्या वो plans feasible हैं या नहीं हैं. In the circumstances, auditor evaluate करेगा इस चीज को. और management ने जो अपने एक forum cash flow forecast बनाए हुए हैं कि हाँ इतना कैश फ्लो होगा हमारा फ्यूचर में, जिस डेटा के बेसिस पर बनाए, क्या वो डेटा हमारा रीजनेबल है या नहीं है, एंड क्या जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस मानी है वो अजम्पशंस एडिक्वेट है या नहीं है. ऑडिटर इस चीज को चेक करेगा. अलोंग विद दिस, मैनेजमेंट ने जिस दिन असेसमेंट की थी, उसके बाद सब्सिक्वेंट पीरियड में अगर मान लो कोई चेंज आया या फिर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस रिस्पेक्ट में, तो ऑडिटर चेक करेंगे वेदर एनी एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस असेसमेंट. एंड अलोंग विद दिस, ही विल ऑब्टेन WR फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर द TCWGS फील एप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस प्लान्स as being made by the management and whether those plans are feasible or not. Auditor will obtain WR from the management in respect of these matters. इसी के साथ auditor कुछ additional procedures को perform करेगा, like जो management की forecast है उनको analyze करेगा, discuss करेगा, interim financial statements को analyze करेगा, discuss करेगा. In case अगर कोई loan pending है या फिर debentures issue किए हुए entity ने, तो उनके terms and conditions में क्या कोई breach हुआ है, is there any breach of the loan covenants, auditor check करेगा. वो minutes को study करेगा ये देखने के लिए कि क्या मिनट्स के अंदर कोई ऐसा मैटर डिस्कस हुआ है कि जो इंडिकेट करता हो देयर इज अ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. वो लीगल काउंसिल से बात करेगा कि क्या कोई लिटिगेशन और क्लेम पेंडिंग है एंटिटी के अंदर, और उनके उस लिटिगेशन और क्लेम के रिस्पेक्ट में जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस जो अजम्पशंस मानी है, जो असेसमेंट किया मैनेजमेंट ने, उनके आउटकम और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को लेकर क्या वो रीजनेबल है या नहीं है. तो ये कुछ इंडिकेशन, कुछ हमारे एडिशनल प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा. नाउ हमने बात की थी कुछ इवेंट्स और कंडीशंस की.
लाइक हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, हमारे ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स या फिर अदर इंडिकेटर्स, एक बार उनको और देख लेते हैं, हमारे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एंड अदर इंडिकेटर्स को। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जैसे कि नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन, वो हमारी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो चुकी है। क्रेडिटर्स ने हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया, उन्होंने हमें क्रेडिट पीरियड देना बंद कर दिया, हम अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे, हमारी फाइनेंशियल रेशियोज इंपैक्ट हो चुकी है लाइक डेट इक्विटी रेशियो, हमने डिविडेंड देना बंद कर दिया, फिर जो हमने पुराने डिविडेंड अनाउंस किए थे उनको ही नहीं पे किया अभी तक हमने, हम अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे ड्यू डेट पे, या फिर हम अपनी जो हमारी लोन्स हैं, लोन एग्रीमेंट्स हैं, उनको नहीं पे कर पा रहे। सो दीज आर सम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जिनको ऑडिटर चेक करेगा कि क्या कोई ऐसे फाइनेंशियल इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं। एंड बात करते हैं ऑपरेटिंग इंडिकेटर की, लाइक मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज द ऑपरेशंस। जब हमने बात की थी गोइंग कंसर्न की, तो हमने एक बात की थी कि ना मैनेजमेंट की नियत है ना जरूरत है, ना मैनेजमेंट की इंटेंशन है ना नेसेसिटी है टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज द ऑपरेशन। सो इफ इन केस मैनेजमेंट हैज द इंटेंशन देन इट इज ऑपरेटिंग इंडिकेटर। एंड अलोंग विद दिस loss of the key management without replacement, यानी कि there's a key person in the entity जिसके ऊपर पूरी पूरी entity dependent थी, now that person has left the entity, उसकी वजह से entity का going concern ही impact हो गया, there is a low chance of survival of that entity, and loss of the major key market like key and key customer franchise license or the principal suppliers, labor difficulties, shortage of the important suppliers like हम जो डिपेंडेंट थे इंपोर्ट के ऊपर से, अब उस कंट्री के जिस कंट्री से हम इंपोर्ट करते थे उस कंट्री के साथ हमारी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो चुकी है हमारी कंट्री की, हमारे इंपोर्ट आने बंद हो गए जिसकी वजह से एंटिटी का कोई कंसर्न इंपैक्ट हो गया। एंड एमर्जेंस ऑफ ए हाईली सक्सेसफुल कंपटीटर लाइक जियो के आने पे टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत आप लोग जानते ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। अगर हम अदर इंडिकेटर्स की बात करें लाइक नॉन कंप्लायंस विद द कैपिटल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, चेंज इन द लॉ रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड, कैटास्ट्रोफ बंद होकर, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है भारी नुकसान। So these are some indicators, some other indicators, and this is all about SA 570. Do revise it twice, क्योंकि आपके exams के अंदर आने के काफी ज़्यादा chances हैं. And जो अगला standard हम start करेंगे वो है SA 580 written representation. So stay connected, guys. Do like, subscribe, share. Bye bye. Thank you.